हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम लोग यार आरडी शर्मा के सॉल्यूशन लेके आए हैं, यानी कि जो आपका चैप्टर नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसका हम लोग यार एक्सरसाइज 10.1 कर रहे हैं। और देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि आपके सिक्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो उससे पहले मैं आपको एक टेबल दिखा दूं कि जैसे कि आप लोगों ने भी आप पढ़ा होगा कि साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, एंड आपके सेक होता है, कॉसेक होता है, ठीक है। सो ये आपके सिक्स मतलब रेशियोज होते हैं, और इन सबकी वैल्यूज भी आपको पता होगी, ठीक है। जैसे इसकी क्या होती है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन थीटा की, कॉस थीटा की होती है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, टेन थीटा की होती है परपेंडिकुलर में अपॉन में बेस, एंड कॉट थीटा की होती है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, एंड सेक थीटा की क्या होती है हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड कॉसेक थीटा की क्या होती है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। सो ये वैल्यूज रहती हैं आपकी, एंड आपको यहाँ पे देखिए साइन की वैल्यू दे रखी है, एंड बाकी आपको कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आइए फटाफट से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को इस वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको क्या है साइन ए वैल्यू दे रखा है, ठीक है। साइन ए की वैल्यू दे रखा है हमें क्या 2/3, एंड अभी हम लोगों ने यार इस टेबल में हम लोगों ने यहाँ क्या देखा, साइन का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो यानी कि ये जो आपका 2 है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो आपका 2 है ये क्या है परपेंडिकुलर है, एंड जो आपका 3 है वो क्या है हाइपोटेनस है, क्योंकि हमारे साइन थीटा की वैल्यू है, एंड आपको एंगल ये बताएं, ठीक है। तो अब देखिए आपके जब परपेंडिकुलर है आपके पास हाइपोटेनस है, क्या निकालना होगा आपको बेस, तभी आप लोग इन सब के भी दे पाएंगे ना, यस। तो आइए देखिए परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे 2 है तो ये आपका परपेंडिकुलर है जो 2 है, एंड हाइपोटेनस आपका 3 है, यानी आपको ये वैल्यू पता करनी है बेस, ठीक है। अब आप लोगों को यार चलिए हम लोग इसे ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। तो आइए हम लोगों को जैसे पता है कि ए सी का स्क्वायर करते हैं सबसे पहले, और ये किसके स्क्वायर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमें ए सी का स्क्वायर पता है, ऑफकोर्स 3 का स्क्वायर हमें पता है 9 होता है, एंड ए बी का भी पता है, यस 2 का स्क्वायर निकालना है, एंड देन आप पे क्या बचा है बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो आइए 3 सा क्या हो जाता है आपका 9 हो जाता है, ये सिंपल हो गया, 2 सा 4 हो जाता है, ये भी हो गया, एंड आपका बी सी का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो चलिए बी सी को अब हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। तो अब देख सकते हैं यार आप पे आप लोग, अगर 9 में से जब इधर आएगा तो माइनस होगा, तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे जो बी सी स्क्वायर है वो किसके बराबर है 5, और अगर हम लोग बी सी की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगी √5। तो यानी अब हम देखें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारी बी सी की वैल्यू क्या आ गई है √5 आ चुकी है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें यहाँ पे फटाफट से कर लेते हैं अपना कैलकुलेशन, ठीक है। सो कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है आपका, हम लोगों ने टेबल अभी यहाँ पे देखी थी ना ऑफ कॉस, तो आइए इसी टेबल से हम लोग हेल्प लेते हैं एंड करते हैं। तो कॉस ए क्या होता है आपका, कॉस 2 होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस आपको पता चल गया क्या होता है √5, ठीक है, लिख दिया। हाइपोटेनियस क्या होता है यहाँ पे, ऑफकोर्स हमें पता है यार 3 है, ठीक है। आइए टेन ए निकालते हैं, टेन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस निकाल गया है ऑफकोर्स √5 निकाल गया, एंड परपेंडिकुलर क्या होता है आपका 2। कॉट ए देखिए, तो कॉट ए क्या होता है आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस पता है परपेंडिकुलर पता है, बेस क्या होता है √5, एंड परपेंडिकुलर क्या हो जाता है 2। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है बस, एंड देखिए सेक यहाँ पे क्या है, सेक होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन में बेस, बेस आपको पता है या ऑफकोर्स √5 होता है, एंड हाइपोटेनस पता है यस 3 है, एंड आप देखिए कॉसेक आ जाता है, तो ये हो जाता है आपका हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 2, हाइपोटेनस क्या है 3। यानी कि हम लोगों ने यार फर्स्ट क्वेश्चन को एकदम क्लियरली एंड आपको भी एकदम ईजी वे में हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आइए अब फटाफट से हम लोग सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हैं, मतलब सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या था आपका, कॉसेक और ए था, ठीक है। मतलब इसमें भी वही करना है आपको, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है एंड आपको बाकी के 5 निकालने हैं, ठीक है। तो अब देखिए कॉस की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ दिए, मैंने आपको टेबल दी थी इसे जरूर लर्न कर लीजिएगा। कॉस की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका 4 है वो क्या है बेस है, एंड 5 आपका क्या है हाइपोटेनियस है, ठीक है, यस। तो बेस हमारा 4 हो गया एंड हाइपोटेनियस आपका 5 हो गया, ठीक है, यस।
तो अब हम लोग इसी चीज को यहाँ लिख लेते हैं कि हाइपोटेनस आपका 5 है, बेस 4 है, एंड आपको यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, इसे ले लेते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, ये तो सिंपल है। और हाँ यार, एक बात मैं इसकी आपको डायरेक्ट बताना चाहूँगा, हम लोगों ने आइडेंटिटी तो देख लिया क्या है। आइडेंटिटी क्या है आपकी, जो ए सी का स्क्वायर है वो आपके ए बी के स्क्वायर प्लस आपके बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसे हम इसको थोड़ा डायरेक्ट करना चाहें तो देखिए क्या होगा। ए सी का स्क्वायर यानी कि आपके 5 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर, एंड बी सी का स्क्वायर यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि आपके 4 का स्क्वायर। ठीक है, सो अगर हम लोग इसे तुरंत यहाँ पर मतलब डायरेक्ट करना चाहें तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए 5 4 क्या होता है, 9। तो यानी कि ए बी का जो स्क्वायर है वो 9 के बराबर है, तो आपकी ए बी की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, 3, बिकॉज ये रूट में चला जाएगा एंड रूट में जाने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यार एक बाई एक स्टेप देख लिया है, अब हर बार वही स्टेप तो अच्छा नहीं लगता ना। फिर अब हम लोग 10th क्लास में भी आ गए हैं, तो हमें उस तरीके से क्वेश्चंस भी जल्दी अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, सो आइए अब फटाफट से यहाँ पे वैल्यू रखते हैं एंड आपका आंसर रखते हैं। तो यार साइन ए की वैल्यू क्या होती है हमें पता है यार, परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस भैया। अब आइए फटाफट से इसे करते हैं। तो अब देखिए हाइपोटेनस है आपके पास, यस हाइपोटेनस है 5, परपेंडिकुलर भी है, हाँ भाई परपेंडिकुलर भी है। तो यार देखो कितनी इजी से अब आपके आंसर आएंगे। 10 का क्या होता है, परपेंडिकुलर में अपॉन में बेस, बेस पता है, हाँ भाई बेस पता है 4 है, परपेंडिकुलर पता है, हाँ पता है। तो आइए फटाफट से निकालते जाते हैं, इसका होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पता है हाँ 3 है, बेस पता है हाँ 4 है। ठीक है, निकाल दिया। अब आइए देखिए यहाँ पे सेक, सेक के क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, बेस पता है हाँ भाई 4 होता है, हाइपोटेनस पता है हाँ भाई 5 होता है। देखिए कितना सिंपल से आपके आंसर जो है वो निकलते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, इसका क्या होता है कॉसेक का, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, सो अब देखिए कुछ नहीं करना है, वैल्यूज आपको पता है, परपेंडिकुलर क्या है आपका 3 है एंड हाइपोटेनस क्या है आपका 5। तो यानी देखिए हम लोगों ने आपके सेकंड पार्ट की भी वैल्यूज निकाल ली है। ठीक है, आइए अब इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए यार यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट है जिसमें आपको 10 की वैल्यू 11 दे रखी है, यानी 10 की वैल्यू 11 है और हम लोग नीचे 1 लगा लेते हैं। 10 की वैल्यू आपको पता होती है क्या होता है, ऑफकोर्स यार परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर आपका 11 है, बेस आपका 1 है, आपको हाइपोटेनस फाइंड करनी है। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है यार, ए सी का स्क्वायर है, बार बार इसको हम नहीं लिखेंगे, यानी फोर्थ वाले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो ये एंड देन आपका क्या होता है बी सी का स्क्वायर। ठीक है, सो ए सी का स्क्वायर हमें क्या निकालना है। ठीक है, ए बी का स्क्वायर आपको पता है ऑफकोर्स, ए बी आपका 11 है, इसका स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो यानी कि जो आपका ए सी का स्क्वायर आएगा वो क्या आ जाएगा, 122। सो आपको यार ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो आ जाएगा √122। ठीक है, तो ये सिंपल आ गया है एंड आपको यार बस आप फटाफट से वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे। तो ये फटाफट से हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, सो आइए परपेंडिकुलर क्या है आपका, ऑफकोर्स यार 11 है, हाइपोटेनस क्या आ गया √122 आ गया। इसमें क्या है आपको बेस फाइंड करना है, तो बेस आपको पता है यस 1 होता है एंड 122 रूट मतलब भूल लीजिएगा मत। एंड इसमें क्या है आपको बेस पता है यार 1 होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है 11 होता है। ठीक है, यस एंड सेक की वैल्यू निकालिए, हाइपोटेनस रखना है तो यानी 1 √122 एंड अपॉन में बेस क्या है आपका ऑफकोर्स 1 है। एंड कॉसेक की वैल्यू निकालते हैं, हाइपोटेनस क्या होता है 122 यानी रूट में एंड परपेंडिकुलर क्या है आपका 11, यानी आपका तीसरा पार्ट जो है वो भी यहाँ पे हो चुका है। तो ठीक है, सो हम लोगों ने यार यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग न्यू एडिशन की बुक से पहला पार्ट किया, देन दूसरा पार्ट किया एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे तीसरा पार्ट भी पूरा का पूरा कर लिया। एंड यार चौथा पार्ट इजी है, आप खुद कर लीजिएगा। तो यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इसी एक्सरसाइज के लिए, तब तक के लिए ओके टाटा टेक केयर। एंड हाँ, अगर अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से यार जो बेल आइकन है और जो सब्सक्राइब बटन है उसे फटाफट से प्रेस कर लीजिए, बिकॉज आपको आरडी शर्मा के जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज है वो सब यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स।